यहाँ आए थे, हम समझे थे यहाँ से आगे रास्ता है, लेकिन यहाँ तो ये बाहर जाने का, यहाँ से पीछे से फिर दोबारा वापस जाना है, क्योंकि यहाँ से तो फिर बंद है, मतलब जा सकते हैं बाहर जाना, तो हमें बाहर तो जाना नहीं, पार्क के अंदर ही घूमना है, और तो अभी वापस चलते हैं फिर यहाँ जाना है। यहाँ से हम जो है बेहतरीन जगह पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे नवीद साहब बोल रहे हैं, साइकिलें हमारी वहाँ खड़ी हुई हैं, ये पूरे स्टेज है हमारा ना तकरीबन, आप ले लें, और हम यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से चढ़ते ऊपर आए हैं, ये घूमते घूमते वहाँ पे जो है रोड ख़त्म हो जा रही है, तो खैर हम यहाँ पे हैं अभी, और यहाँ से मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ। मेरे मोबाइल में स्पेस भी बहुत ख़त्म हो गया था, फिर मैंने स्पेस बनाया क्योंकि इतनी दूर आया ब्लॉग तो बनना है, तो यहाँ से भी व्यू दिखाता हूँ, अच्छा देख रहे हैं बेहतरीन, मतलब अच्छे से आ रहा है। तो अभी नीचे उतरते हैं और देखते हैं आगे कहाँ जाना है। हमें जो ब्रिज दिख रहा है, हम उन ब्रिज से आए, पहले वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वहाँ आके यहाँ से फिर यहाँ इस जगह से आए पूरे, तो काफ़ी लंबा सफर हमने तय कर चुके हैं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत मज़े भी गार्डन हो। अच्छा, वैसे भी गार्डन हो रहा है, दिल भी गार्डन गार्डन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। लंबे लंबे दरख्त, चढ़ के बता साथ, चढ़ जाओ ऊपर। यहाँ पे भी एक ब्रिज है यार, देख रहे हैं रोशनी रश लगा हुआ है, यहाँ से सीधा चढ़ देंगे ऊपर, फिर अंदर तक है, फिर वहाँ सामने से बाहर है। नवीद साहब तो ये लंबो के दरख्त के इतने छोटे लग रहे हैं माशाल्लाह, ये दरख्त ही ख़त्म नहीं होंगे ज़रा। हाँ भैया, स्केटिंग की जगह है यहाँ पे, लेकिन हमें बंद की हुई है। हाँ यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है स्केटिंग करते हुए ना, काफ़ी मज़ा आता है स्केटिंग करते हुए, और जो है करते भी थे तो और बेचते थे भी थे वो लोग, मतलब रेंट पे लेते थे हम स्केट वगैरह, और फिर उसके बाद करते थे। तो खैर अभी ये लोग वापस जाने का कह रहे हैं सब, मतलब सीटियाँ बजने शुरू हो चुकी हैं पहले की तरह, तो क्योंकि पहले भी हम आते थे, तो कल परसों आए थे हम पहले, तो उस वक्त भी सीटियाँ बजने शुरू हो गई, आप लोग बाहर निकले। हाँ तो आज हम जल्दी आए, डेढ़ घंटा मिला है हमारे को पूरा, तो जितना मैंने हमने हो सका हमने दिखाई भाई सारी चीज़ें, दोनों ने मिल के जितना कवर कर सकते हैं कर लिया। तो खैर अभी हम वापस के लिए निकलते हैं और देखते हैं क्या करना है आगे। हाँ हाँ ऑलमोस्ट पूरा ही किया है तकरीबन, जल कैमरे में पूरा खाली हो चुका है, कोई भी नहीं है, और पार्क को आप लोग भी टाटा बाबा कह रहे हैं, हम लोग भी टाटा बाबा कह रहे हैं, और अब हम वापसी अभी दरवाजे के पास जा रहे निकलने के लिए ना, वापसी का दरवाज़ा ढूंढने, जो कि ये बंद है भाई, दरवाजा ही बंद है, इतनी दूर चल के आए दरवाजा ही बंद है। चलो भाई वापस, तो बन गया पूरा का पूरा, तो खैर अभी चलते हैं वापस, खुला है छोड़ दो, मैं खाले नहीं छोड़ दो, तो अभी हमें वहीं से जाना पड़ेगा इतना सारा। अभी साहब इसको वॉश मार रहे थे भाग रहा है। अबे ऊपर के चढ़ो यहाँ से, है अबे चल बे टाइम नहीं है वैसे। हाँ भाई दी एंड हो गया, खाली सब अब हम ही है सिर्फ, पूरे पार्क में यहाँ तक तो हम ही है, आगे का नहीं पता। हाँ गाड़ी नहीं, पार्क गया अभी, टाटा बाबा कर दें उसको और वापस चलते हैं अभी, यहाँ से हमें बाहर निकलना खराब हो गया, हालत ही बुरी हो गई थोड़ी।
ये वापसी के लिए बाहर निकल गए हम। यहाँ पे आ चुके हैं, ये साइकिल यहाँ पे खड़ी की है। और अभी हमारे को सर में मरीज साहब जो जा रहे हैं लेने, वो लेना है हमारे को पानी वानी जो है ना, बोतल वगैरह होती है, क्योंकि थक बहुत हमारे थके तो नहीं है लेकिन प्यास लग रही। तो अभी मैंने स्प्राइट मंगाई है और अभी इतना मुझे नहीं पता क्या मंगाया, क्या लेके आएगा। तो फिर अभी हमें फिर यहाँ से जाना है, तो अभी निकलते हैं और मेरे ख्याल हम अंधेरे से पहले पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ से निकलेंगे और उस सामने वाली रोड है ना, वहाँ से जाएंगे सीधा, और वो फिर वही महल शहल आई है अपना। नवीद साहब आ चुके हैं माउंटेन ड्यू लेके। माउंटेन ड्यू नहीं, स्प्राइट कितने की है? मिली नहीं आएंगे। ये कितने की है? 200। ये आ चुके हैं माउंटेन ड्यू, और जो है ये 2 रंगीत 80 सेंट की है, मतलब पाकिस्तानी हो गए कितने हो गए? 100 से ऊपर होगा पाकिस्तानी ना, 100 से ऊपर की है। तो खैर अभी वापसी के लिए निकलते अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। चले चलो फिर वापसी कर आ जाओ। चले भाई अब हम निकलते हैं वापसी के लिए इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सफ़र की तो अभी पढ़ लें, आयतुल कुर्सी भी पढ़ लेते हैं और यहाँ से ऊपर पढ़ ले लेते हैं। अभी अभी हम नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं और बस अभी यहाँ से अपने घर के लिए निकलेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं। ये कोकोमो होते हैं यहाँ के, कोकोमो तो ये ऐसे होते हैं, तो ये खाते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर घर के लिए निकलते हैं। सैनिटाइज़र वगैरह भी अंदर जाते हो, सैनिटाइजर धुआं निकल रहा है अंदर से, ऐसा होता है चॉकलेट होती है। तो बस अभी घर के लिए निकलते हैं। हम फिर से इस ब्रिज पे आ चुके हैं जो कि हम पहले आते थे। तो खैर अभी यहाँ से हम, ये सामने रोड दिख रही है, यहाँ से पूरा आगे जाना है हमारे को, बनने लगी यहाँ से सीधे जाके वहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और फिर तकरीबन घर करीब हो जाएगा, काफ़ी नवीद साहब निकल चुके। तो बस यहाँ से उतरते हैं और जो है मेरे मोबाइल में स्पेस भी ख़त्म हो गया है, मेरे ख्याल लंबा व्लॉग बन गया काफ़ी। हाँ यहाँ पर लेकिन इसकी इंटरेस्ट अच्छा, हाँ लेकिन टाइम ख़त्म आता ना फिर, क्योंकि टाइम मगरब कम होता है से करना है भी। फाइनली भाई फाइनली हम रोड से उतर चुके हैं, अब आ गए गलियों में, घर की गलियों में आ चुके हैं। तो बस आगे चल के और घर के गलियों में और ज़्यादा इंटर होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। नवीद साहब जो है वो जा रहे हैं, चलते हैं इनके बाद लेके। आ जाओ भाई ये जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे बाबा अबे पीछे थी ना, तो वो बंद हो गई ना। वो हम घर आ चुके हैं अलहमदुलिल्लाह, पहुँच चुके हैं और बस अभी मैं साइकिल अंदर खड़ी करूँगा। नवीद साहब ने फाइनली अपना मुंह दिखा दिया, तब से मार्क्स में था तो खत्म हो गया सफर अलहमदुलिल्लाह। हाँ जी भाई एट होम। ये है रास्ता, ये हमारा घर है, यहाँ पे ऊपर पर ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ घर है, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से हम यहाँ तक गए थे राइट वाला पॉइंट तक। तो ये है 16 मिनट का रास्ता गाड़ी में और किलोमीटर्स का 9.7 ऑलमोस्ट टाइम लगा लें आप लोग, और हमें आधा घंटा लग गया था साइकिल पर, आधा घंटा। जो है फाइनली घर पहुँच चुके थे, अभी भी पहुँचे हैं और जो है ईशा की अजान भी हो चुकी है
और खैर भी शोरमा खाया हमने, पापा शोरमा लेके आया था हमारे लिए, तो वो खा पी के बैठे हैं। और नवीन साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तो सारिम साहब गए नहीं जो के, तो इसको मैं फिर अगली बार भी लेके जाऊँगी, पहले हम लोग जाके एक्सपीरियंस करके आ गए ना पहले। तो ब्लॉग ही ख़त्म करूँ, तुम खाते रहो ब्लॉग। हाँ बोलो, काम कर रहा हूँ ना भाई। हाँ ये काम कर रहा है, विंडोज एक्टिव कर अपनी आ गया। तो खैर आज के ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं, होगा उन्होंने इन्जॉय किया, उसके बाद हम ये ख़त्म करते हैं, होगा उन्होंने इन्जॉय किया। असल में पिछली वाली जो क्लिप थी वो सारिम के मोबाइल में है और उसका मोबाइल का पासवर्ड मुझे पता नहीं, तो वो सो रहा है अभी, तो मैं डाल नहीं सकता था, तो मैंने कहा खुद ही ख़त्म कर देता। तो अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसी खुशी से हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।